मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन के लिए देश भर से, यूं कहें दुनिया भर से 25 लाख से अधिक मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, तो आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में ये जलसा 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। लाखों की संख्या में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। इसके लिए रेलवे से ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की अपील की गई है। ये नहीं, इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इंतजामों पर भी चर्चा की। दरअसल भोपाल में हर साल 3 दिन के तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जाता है। इस इज्तिमा में देश भर के अलावा विदेशों से आने वाले मुसलमान भी शिरकत करते हैं। आपको बता दें कि इज्तिमा का मतलब एक धार्मिक सम्मेलन होता है, जहां धर्म की जानकारी देने के साथ ही कुछ सामाजिक फैसले लिए जाते हैं, जैसे शादी में दहेज प्रथा को बंद किया जाए, शिक्षा पर क्या क्या काम किए जाए आदि। गौरतलब है कि कई दशकों से यहां इज्तिमे का आयोजन किया जाता रहा है। बीते साल इज्तिमा 4 दिन का चला था। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि तबलीगी इज्तिमे के मौके पर बेहतर इंतजाम हो, कोशिश करें कि इसमें आने वाले लोग शासन के व्यवस्था से न सिर्फ संतुष्ट रहें बल्कि तारीफ भी करें। सीएम तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में बुधवार को मंत्रालय से समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इज्तिमा में पूरे देश और विदेशों से भी लोग शामिल होने आएंगे। इस दौरान साफ सफाई की बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं होना चाहिए। उन्होंने सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यह होगी कि इस वर्ष का इज्तिमा व्यवस्थाओं और साफ सफाई के मामले में मिसाल बने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने इज्तिमा में शामिल होने वाले लोगों के लिए रेलवे द्वारा बेहतर व्यवस्था रखने और अतिरिक्त बोगियां लगाने को कहा है।